मेरा नाम सादिया बिलाल है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट सेटेलाइट टाउन बहावल एबीपी के फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक डिजाइन के आज लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे शेयर चार्ट। शेयर चार्ट क्या है, शेयर चार्ट की जरूरत क्या है, शेयर चार्ट क्यों बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, रंगों की इसमें क्या जरूरत है, क्या अहमियत है और हम इसके साथ साथ शेड और टिंट के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली शेड चार्ट में दो चीजें होती हैं, शेड और टिंट, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ये है कि क्रिएट द शेड चार्ट बाय यूजिंग स्कॉलरशिप विद पोस्टर कलर। अगेन हम पोस्टर कलर का इस्तेमाल करेंगे और स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास पोस्टर कलर है तो हम उसके लिए हमें मस्ट है कि हम स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करें। अगली स्लाइड पे हम चलेंगे, शेप चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली शेप चार्ट क्या है, उसके साथ कलर रेफरेंस, ऑब्वियसली शेप चार्ट जो है वो कलर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह के साथ किस कलर का कम्बिनेशन अच्छा लगेगा, किस तरह के साथ किस कलर का कम्बिनेशन बैलेंस है, इसके लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं। कलर रेफरेंस चार्ट आर इंटेंडेड फॉर द कलर कंपैरिजन, जिनकी जरूरत होती है कलर कंपैरिजन के लिए एंड मॉडर्ननेस के लिए, किस कलर के साथ किस कलर का कलर बैलेंस है। ये हमारे मन को पसंद की बात नहीं है, ये एक कलर कंपैरिजन है जो कि बना दिए गए हैं, जो कि हमारे पास उसके लिए वेबसाइट है, इसके लिए हमारे पास डिजाइनर्स हैं जो बैक के सोच विचार के बाद इन कलर का कंपैरिजन करके उनकी मजे में। टिपिकल टास्क फॉर सच चार्ट्स आर चेकिंग द कलर प्रोडक्शन ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम। मतलब कि ये किस लिए बनाए गए हैं, बेसिकली ये चार्ट इसलिए बनाए गए हैं कि हम हमारी कलर प्रोडक्शन को देखें, चेक करने के लिए किस कलर के साथ कौन सा कलर, किस तरह के टोन्स बन गए हैं हमारे पास अवेलेबल, किस तरह के कितने टोन्स में हम काम करते हैं शेड में, इस सब को देखने के लिए हमारे पास कलर चार्ट, कलर रेफरेंसेस चार्ट इसको बनाया जाता है, इसकी मेजरमेंट के लिए बनाया जाता है। उसके बाद द कलर चेकर फर्स्ट प्रोड्यूस एज द मैक बॉक्स, मतलब ये एक मैक बैच था जिसको 1976 में बनाया गया था। ये एक कार्डबोर्ड का फ्रेम था जिसमें 24 स्क्वायर थे जिसको पेंट किया गया था सैंपल बेस, जिसको सैंपल बेस हमने पेंट किया था मैंसो कलर से। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि शेड कार्ड सबसे पहले बना कब, 1976 में पहला शेड कार्ड बना था जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर था, उस पर 24 स्क्वायर में पेंट किए गए थे सैंपल बेस जो कि मैंसो कलर से बनाए गए। उसके बाद आपको शेड चार्ट का पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है, ऑब्वियसली हम लोगों ने हमारे घरों में पहले देखे होंगे शेड चार्ट। ये है वो शेड चार्ट, ये मैनुअल शेड चार्ट बनाया है जिसमें मैंने कलर रेड के, येलो के टोन, रेड के टोन, ब्लू के टोन, उसकी जो फैमिली है जो मिक्स हो रहे वो कलर क्रिएट होते हैं, डार्क भी हैं लाइट भी हैं। यहाँ पर हम हमारे दिल को जो लेफ्ट साइड पे येलो कलर का पहला पहला कलर देखेंगे वो हमारे पास प्राइमरी येलो कलर है। उसमें बाइक राइड करते करते जो वो स्किन टाइप कलर बना है वो हमारे पास टिंट है, उसमें वाइट ऐड किया है। उसके साथ हम अगली लाइन में आएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें भी वाइट ऐड किए, पर जब हम थर्ड लाइन में आते हैं हम देखते हैं कि वो रेडिश सा कलर आकार लग गया है, वो एक ऑकर सा कलर बन गया है। वो ऑकर इसलिए बना है क्योंकि उसमें एक लाइट सा एक डॉट रेड का ऐड किया गया है, उसमें ब्लैक ऐड किया गया है। जब वो क्योंकि वो ऑब्वियसली वो अब शेड की तरफ भी जाना है, ऊपर शेड की तरफ जा रहे हैं नीचे वो लाइट की तरफ आ रही है। उसका जो सेकंड कलर है उसी में जब शेड ऐड किया गया है मतलब ब्लैक ऐड किया गया है तो वो और कलर आया है। रेड की तरफ आएंगे तो रेड में भी हम यही देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास बेसिक कलर रेड है जो कि आगे वाइट ऐड होते होते एक दफा बिल्कुल बेबी पिंक बन गया है। जब उसमें हमने ब्लैक ऐड किया है और हमने तो वो एक खूबसूरत सा मैरून कलर बन गया, ज्यादा ब्लैक ऐड करते करते वो ब्राउन की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब ब्राउन कलर में हमने व्हाइट ऐड किया है तो वो ब्राउन के लाइट शेड स्किन में क्रिएट हो गया है,
बेबी पिंक, मजेंटा कलर भी इसमें आ गया है, इसमें शॉकिंग पिंक भी आ गया है, इसमें रोज रेड भी आ गया है, रोज पिंक भी है। एक प्राइमरी कलर से हमने कितने सेकेंडरी, कितने कॉम्प्लीमेंट्री, कितने हमने टर्शरी कलर क्रिएट किए, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ब्लू कलर हमने लिया जो बेसिक ब्लू कलर है, उसमें हमने व्हाइट ऐड किया। उसी तरह से हमने उसमें एक डॉट रेड का ऐड कर दिया तो वो एक ग्रीनिश सा टोन बना, ग्रीन में स्काई ब्लू, स्काई ग्रीन और सी ग्रीन, ये सब कलर शामिल होते थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनमें बेसिकली एक ये कलर बेसिक कलर है, एक ये कलर बेसिक कलर है हमारे पास, एंड दिस, ये हमारे पास तीन वो बेसिक कलर थे जिनको जिनमें व्हाइट और ब्लैक ऐड कर करके यहाँ पर कितने कलर बनाए गए हैं, और इससे भी ज्यादा हजारों करोड़ों रंग इस यूनिवर्स में हमारे सामने है वो इन्हीं तीन रंगों से बनाए गए, जिनमें हमें शेड चार्ट पर वाजिया तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से, किस खूबसूरती के साथ ब्लैक और व्हाइट के इसमें शामिल करने से किस तरह से कलर में तब्दील है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा है हमारी स्लाइड है पिंक और शेड के बारे में, जो मैं इसी देर से आपको पिंक और शेड के बारे में बता रही हूँ। बेसिकली पिंक और शेड क्या है, पिंक और शेड जो है, अ पिंक इज अ मिक्सचर ऑफ कलर विद व्हाइट व्हिच रिड्यूस डार्कनेस, व्हाइल अ शेड इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक व्हिच इंक्रीज डार्कनेस। ठीक है, जो डार्कनेस को रिड्यूस करता है, मतलब एक कलर है हमारे पास, जैसे पिछले यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक कलर ले लें आप, येलो कलर, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा डार्क लग रहा है तो डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए हम व्हाइट ऐड करेंगे, व्हाइट ऐड करते गए तो वो पिंक बन गया, और डार्कनेस इंक्रीज करने के लिए हम उसमें मिक्सचर ऑफ ब्लैक करेंगे तो वो शेड बन जाएगा। जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमने इसमें हल्का सा, फॉर एग्जाम्पल हमें रेड कलर चाहिए पर हमें रेड कलर में थोड़ी डार्कनेस चाहिए, इंक्रीज चाहिए, तो हम इसमें ब्लैक कलर का मिक्सचर करेंगे तो वो जो कलर हमारे पास आएगा उसे हम शेड करेंगे। ये फर्क है टिंट और शेड में, व्हाइट ऐड किया तो वो टिंट बन गया, शेड जैसे शेडो से हमें वाजिया होता है कि वो डार्क कलर होगा तो वो इंक्रीज करने के लिए है। इन पेंटिंग लाइटनेस इज एडजस्ट थ्रू मिक्सचर विद व्हाइट ब्लैक और अ कलर कॉम्प्लीमेंट, कलर के कॉम्प्लीमेंट से भी कलर को लाइट किया। जैसे ब्लू कलर ऐड है तो हम उसमें स्काई ब्लू अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, पेंटिंग में किसी भी कलर को लाइट करने का तरीका ये शेड और पेंट की। आगे मैंने और एग्जांपल आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि शेड चार्ट बेसिकली शेड और पेंट की है, तो जब हम शेड और पेंट पर से समझ लेंगे हमें शेड चार्ट का पता चल जाएगा। शेड, अ शेड इज अ सिंपली एनी कलर विद ब्लैक एडेड, कोई भी कलर है जिसमें ब्लैक एडेड है। शेड्स आर डीप पावरफुल एंड मिस्टीरियस, शेड जो होते हैं वो डीप होते हैं पावर, क्योंकि लाइट कलर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी डार्क कलर में स्ट्रेंथ होती है। जितनी डार्क कलर हमें वाइब्रेंट होते हैं, डार्क कलर में पावर होती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना रेड पावर का कलर है, फोकस का कलर होता है, उसी तरह से डार्क जो कलर होते हैं वो डीप होते हैं, पावरफुल होते हैं, स्ट्रेंथफुल होते हैं, वो मिस्टीरियस होते हैं। दे वर्क वेल इन अ मैस्कुलिन एनवायरनमेंट एंड आर बेस्ट यूज एज डार्क एक्सेंट। ठीक है, डार्क एक्सेंट के तौर पर ही बेस्ट एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। पिंक क्या है, पिंक इज समथिंग कॉल्ड अ पेस्टल। ठीक है, पेस्टल कलर जो पिंक होते हैं, इन सब कलर को हम पेस्टल कलर कहते हैं। पेस्टल मतलब पाउडरी कलर, जिनमें हमें व्हाइट नजर आता है, पाउडर पाउडर व्हाइट pastel, ठीक है, it's simply any color with added white, इधर था it's simply color with black added और ये simply white added, a color scheme using paint is soft, youthful and soothing, मतलब हमें एक beautiful खूबसूरत सी feeling आती है, एक हमें soothful सी pleasant सी और बिल्कुल soft सी हमें फीलिंग आती है जब हम पिंक शेड हमारे पास होता है या हमारे सामने होता है या हमने वेयरिंग में किया होता है।
ठीक है, हमने अगर व्हाइट या पेस्टल टोन में लाइक स्टैचू या बेबी पिंक इस कलर में अगर हमने कोई ड्रेस पहना होता है तो वो हमें सॉफ्ट, हमें यूथफुल, हमें एक ऐसे बड़ा सॉफ्ट का इमेज दे रहा होता है। ठीक है, पिंक वुड वर्क वेल इन अ गर्ल्स रूम, ठीक है, वहां पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ हमें डार्क एक्सेंट चाहिए, लाइक पॉप म्यूजिक में हम ब्लैक ऐड करते हैं, कोई कैफे है जिसमें हमें ब्लैक का कर दिया है, वहाँ हम ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक इनका ऐड करेंगे, जो डार्क शेड है हमारे पास रेड ऐड करते हैं। पर हमें गर्ल्स के रूम में हमें पसंद आता है बेबी पिंक, बॉयज के रूम में हम डार्क ब्लू यूज करते हैं, राइट? ठीक है, एंड फॉर अ वेबसाइट टारगेटेड फॉर वुमेन, लाइक अगर कोई गर्लिश गर्ल अपने लिए कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर गया तो वो सर लोगो जो होगा तो लाइट ब्लू, लाइट पिंक, इन पेस्टल टोन में, इन टिंट के शेड में रहेगा। अगर कोई कंपैरेटिवली कोई लड़का अगर अपने लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहा है, कोई क्लोथिंग क्लोथेट या कुछ भी उसका वेबसाइट का वो लोगो डिजाइन करेगा तो वो उसके लिए डार्क शेड पसंद करेगा। गर्लिश कलर, इट्स नॉट अबाउट गर्लिश कलर, ये मतलब एक सॉफ्ट लुक होता है, तो गर्ल्स लाइक सॉफ्ट, तो इसलिए। अब हम पढ़ेंगे, दो तीन चीजें हैं हमारे पास, हम पढ़ेंगे। पहले तो द कलर्स पे, जो हमारा सर्कल है उसके बारे में पढ़ेंगे। द जो फ्लोर जो नियरेस्ट हमारा सेंटर ऊपर और द पोल्स आर मोस्ट आर क्रोमेटिक, यहाँ पर जो बिल्कुल हमारे पास नियरेस्ट होंगे हमारे सेंटर पोल के, उनको आर्कोमेटिक कहते हैं। उसके बाद तीन चीजें हैं, नॉन्सेंस, शेड एंड टोन। हम टोन की भी बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। जब हमारे पास एक कलर है उनमें सेम लाइटनेस है, सेम सैचुरेशन, सैचुरेशन लाइटनेस और ह्यू पे हम बात करेंगे। इन तीनों चीजों को घुमा घुमा के हम बात करेंगे। लाइटनेस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लाइटनेस वैल्यू याद आया, सैचुरेशन इंटेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, एंड ह्यू जो ओरिजिनल कलर है, सैचुरेशन ब्राइटनेस डलनेस है, लाइटनेस और डार्कनेस है वैल्यू। अगर हमारे पास लाइटनेस और सैचुरेशन दो चीजें हैं पर जो सेम है, बट जो हमारे पास ह्यू जो ओरिजिनल कलर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, तो ये कलर कहलाएंगे नॉन्सेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक कलर है जिसका ह्यू और सैचुरेशन मतलब ब्राइटनेस, एक कलर जो ओरिजिनल कलर है वो और जो कलर की ब्राइटनेस है वो सेम है, पर जो उसकी लाइटनेस है वो डिफरेंट है, मतलब हम उस कलर को जब हम ब्राइट करते हैं तो वो दोनों सेम आ रहे हैं, उसमें जब हम व्हाइट ऐड करते हैं उसको हम लाइट करते हैं तो वो एक और चीज बनती है, वो कहलाता है शेड, उसको टिंट और शेड कहते हैं। टिंट और शेड दोनों यही चीज है जिसमें हमारे पास ह्यू सेम कलर सेम होता है, हमारे पास उसकी ब्राइटनेस सेम होती है, पर जब उसमें हम लाइटनेस ऐड करते हैं तो वो दो डिफरेंट चीजें बनती है जिसका नाम टिंट और शेड। थर्ड चीज है टोन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें हमारे पास जो ओरिजिनल कलर है वो और जो हमारी वैल्यू है यानी कि हमारी जो लाइटनेस है वो सेम है, पर हमारी जो सैचुरेशन मतलब ब्राइटनेस है वो सेम नहीं है, वो कहलाते हैं टोन। आगे इमेज में आप देख सकते हैं, इसको मैंने इमेज से आपको दिखाने की भी कोशिश की है, फ्रंटल व्यू से भी, टॉप व्यू से भी, जो हमारा कलर का प्रिपेयर है। उसके बाद टिंट एंड शेड ऑफ ब्लू, ओरिजिनल कलर आप देख सकते हैं सेंटर में ब्लू को मार्क किया गया है, उसके जो लेफ्ट साइड पे आपको टिंट्स नजर आ रही हैं क्योंकि उसमें व्हाइट ऐड होता गया और आखिर में जाके इतना व्हाइट है, इतना व्हाइट हो गया वो ब्लू कलर कि वो हमारे व्हाइट कलर से मैच होने लग गया, शेड डार्क होता गया है, डार्क होता गया, उसमें हमने ब्लैक ऐड किया है, आप देख सकते हैं किस हद तक वो ब्लैक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइट है टिंट एंड शेड रेड। अब आप टिंट और शेड देख सकते हैं रेड के कितने कलर हैं, देयर आर थाउजेंड ऑफ कलर, ये तो अभी कुछ कलर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एक टोन के एक एक सौ दो सौ हजारों कलर होते हैं। आपने एक रेड कलर लिया उससे कितने टोन बनाए कि एट द एंड जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे एक सबसे लास्ट वाला
बॉक्स है वो व्हाइट कलर हो गया। कितना व्हाइट हुआ है, बेबी पिंक, पेस्टल टोन, वो लाइट होता होता इस हद तक व्हाइट हो गया है कि वो बिल्कुल व्हाइट ही लग रहा है। उसमें लग ही नहीं रहा कि वहां पर कभी पहले रेड कलर था। शेड, शेड में आपको टोन, शेड और टिंट्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, जो मैंने पीछे आपको टोन्स के बारे में बताया है, टिंट्स के बारे में और शेड्स के बारे में बताया है, और सबसे ऊपर जो मैंने प्योर ह्यू के बारे में बताया था। प्योर ह्यू आप लोगों को नजर आ रहा है, जो प्योर कलर है, प्योर ह्यू का मतलब होता है किसी भी चीज का कलर, तो येलो कलर जो आपके सामने नजर आ रहा है वो। उसके बाद टिंट्स दिखाया मैंने, येलो में व्हाइट ऐड किया स्किन बन गया, उसको और व्हाइट किया तो वो और स्किन बन गया, एंड नेक्स्ट वो बिल्कुल व्हाइट हो गया हमारे चार्ट पेपर की तरह। फिर उसमें शेड ब्लू येलो में मैंने शेड डाला, एक कलर ब्लैक डाला, थोड़ा और ब्लैक डाला तो ग्रीनिश लुक हो गया, और ब्लैक डाला तो वो बहुत ज्यादा ब्लैक की फॉर्म में येलो हो गया। फिर टोन में हम ग्रे कलर ऐड करते हैं, जब हमने ग्रे कलर ऐड किया तो हमने देखा कि वो एट द एंड लास्ट में ग्रे कलर बन गया। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह इस चीज की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, उसमें हम लोग अब नेक्स्ट डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा। मामला